हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाठ्यपुस्तक के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को। तो शुरुआत करते हैं कि पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं, किसी विषय के, जैसे कोई सब्जेक्ट है, तो किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित, मतलब इकट्ठा संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे पाठ्यपुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्यपुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट परिभाषा है हेरोलिकर के अनुसार। इन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग होता है। लेज के अनुसार, इनके अनुसार कहा गया कि यह जो पाठ्यपुस्तक होती है, यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, पुस्तक कर लीजिएगा, पुस्तक होती है। नेक्स्ट है एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषता के गुण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप। तो इसका मतलब होता है कि विषय वस्तु, जैसे कोई विषय वस्तु दी गई है, जैसे जो कोई पाठ दिया गया है, तो उसका संगठन कैसा है। तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। और अच्छे पाठ्यपुस्तक की ये भी विशेषता है कि उसमें व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरण आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण भी किया गया हो, विषय को सरल तरीके से समझाया गया हो, स्पष्टीकरण, उदाहरण और व्याख्या के द्वारा। अच्छे पाठ्यपुस्तक की ये भी विशेषता है कि उसमें भाषा शैली में सरलता होनी चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता एवं प्रभावशीलता भी होनी आवश्यक है। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थी में ऐसी क्षमता हो, ऐसी रुचि उत्पन्न हो कि वह खुद से पढ़ें, उनमें ऐसी रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अन्य लेखकों, विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट होने चाहिए, विश्वसनीय एवं वैध भी हों। मुख्य पृष्ठ सचित्र आकर्षक एवं सौंदर्य हो, मतलब जैसे जो मेन पेज होता है ना, मुख्य पृष्ठ, वह चित्रों से शोभित होना चाहिए, आकर्षक और सौंदर्य भी हो। नेक्स्ट है मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट हो। मुद्रण मतलब है जैसे छपाई की कला, टाइप करना, तो मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट भी होना चाहिए। आकार जो है वह सुविधाजनक हो, ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा हो, सुविधाजनक हो, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छे पाठ्यपुस्तक की ये भी विशेषता है कि उसके अध्याय का आकार बालकों की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप होना आवश्यक है। विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटना, जो भी आजकल वर्तमान में घटना हो रही है, उस तथ्य एवं समस्याओं पर भी बल दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु के अनुकूल चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र आदि का प्रस्तुतिकरण भी किया जाना चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।